अब फाइंड फ्रम डिफिनेसन द डेरिवेटिव्स अफ फलोइंग ये भन्दा खोजेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रिंसिपल हामी जसरी युज गर्थ्यौँ हो त्यो युज गरेर चाहिँ हामीले डेरिभेटिभहरू भेट्नुपर्ने हो. सो फर्स्ट क्वेसन छ एक्स स्क्वायर प्लस फाइभ एक्स माइनस थ्री यसको सोल्युसन हेरौँ. लेट वाई इज इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर प्लस फाइभ एक्स माइनस थ्री होइन त लेट एउटाको प्रोसेस हेरौँ त्यसपछि त्यो अरू सबै त्यही अनुसार गर्नु होला. लेट डेल एक्स एन्ड डेल वाई बी स्मल इन्क्रिमेन्ट इन एक्स एन्ड वाई रेस्पेक्टिभली एक्स एन्ड वाईमा स्मल इन्क्रिमेन्ट भयो. अब नाउ वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल्स टु एक्स प्लस डेल एक्सको होल स्क्वायर प्लस फाइभ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस थ्री अर डेल वाई भनेको कति भयो त एक्स स्क्वायर प्लस टु एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस फाइभ एक्स प्लस फाइभ डेल एक्स माइनस थ्री वाई त जाँदैथ्यो भयो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइभ एक्स प्लस थ्री भयो होइन. सो एक्स स्क्वायर काट्यो फाइभ एक्स काट्यो थ्री पनि काट्यो. अब डेल वाई बाई डेल एक्स भनेको कति हुन्छ त टु एक्स प्लस डेल एक्स प्लस फाइभ यो हुन जान्छ. सो अब डिवाई बाई डिएक्स भनेको के हो त लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो डेल वाई बाई डेल एक्स भनेको लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो टु एक्स प्लस डेल एक्स प्लस फाइभ यो भनेको कति आउँछ त टु एक्स प्लस फाइभ स्क्वायर. यसको सोल्युसन हेरौँ वाई इज इक्वल्स टु थ्री बाई टु एक्स स्क्वायर. सो वाई प्लस डेल वाई भनेको के लेख्न सकियो त अब थ्री बाई टु एक्स प्लस डेल एक्सको होल स्क्वायर. सो डेल वाई भनेको थ्री बाई टु एक्स प्लस डेल एक्सको होल स्क्वायर माइनस थ्री बाई टु एक्सको होल स्क्वायर. अब एलसिएम लियो भने सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इन्टु टु एक्स प्लस डेल एक्सको होल स्क्वायर बाई होइन थ्री नै हुन्छ सिक्स किन हुन्छ यहाँ थ्री हुन्छ यहाँ पनि थ्री मात्रै हुन्छ होइन थ्री इन्टु यो यहाँ के भयो त थ्री एक्स प्लस डेल एक्सको होल स्क्वायर इन्टु एक्स स्क्वायर. सो अब यो भनेको थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स डेल एक्स माइनस थ्री डेल एक्सको होल स्क्वायर बाई टु एक्स प्लस डेल एक्सको स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए इन्टु एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर काट्यो. अब हामीले यहाँ डेल एक्सले डिभाइड गऱ्यौँ भने के हुन्छ त यहाँनिर माइनस डेल एक्स कमन माइनस थ्री डेल एक्स कमन लियो भने माइनस थ्री
डेल एक्स कमन लियो भने 2x प्लस कहिले हुन्छ त 3 डेल एक्स हुन जान्छ हैन 2x प्लस डेल एक्स यति हुन जान्छ 2 बाइ यहाँ 3 बाइ 2 हैन यहाँ 3 बाइ 2 3 बाइ 2 ठिक छ यहाँ पनि 3 बाइ 2 यो पनि ठिकै छ अब यतापट्टि 3x स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर भयो यहाँबाट के आयो त यसको 3x स्क्वायर माइनस 3 एक्स 6x डेल एक्स माइनस 3 डेल एक्सको होल स्क्वायर आउँछ होइन अब यहाँबाट हाम्रो 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर त क्यान्सल भयो अब यतापट्टि 3 डेल एक्स थ्री डेल एक्स कमन लिँदा यहाँ के आउँछ त 2x आउँछ यतापट्टि डेल एक्स आउँछ सो यो के भयो 2x प्लस डेल एक्सको होल स्क्वायर इन्टु एक्स स्क्वायर डेल एक्स भयो अब यो दुइटा काटियो होइन अब यहाँनिर डेल वाई बाई डेल एक्स भनेको के बाँकी रह्यो त माइनस 2x डेल एक्स बाई 3 बाई 2 त छँदैछ यो भनेको एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल एक्स होल स्क्वायर स्क्वायर सो यसलाई सल्भ गर्दा पनि यसको सोलुसन हेरौँ वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल्स टु 1 बाई 2 एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 3 हुन्छ यहाँ सो डेल वाई भनेको 2 एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 3 माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 डेल वाई भनेको 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 2 डेल एक्स माइनस 3 बाई 2x प्लस डेल एक्स प्लस 3 2x प्लस 3 यो दुइटा क्यान्सल भयो सरी यो त क्यान्सल हुँदैन यो माइनस यो 3 क्यान्सल भयो सो डेल वाई बाई डेल एक्स भनेको कति आयो त माइनस 2 बाई 2x प्लस डेल एक्स प्लस 3 2x प्लस 3 अब dy बाई dx भनेको के हुन्छ त लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 dy बाई डेल वाई बाई डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 माइनस 2 बाई 2x प्लस डेल एक्स प्लस 3 2x प्लस 3 यहाँ कति आयो त माइनस 2 बाई 2x प्लस 3 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टु माइनस 2x प्लस 3 को होल स्क्वायर जुन चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुनसक्छ अर्को क्वेसन छ एएक्स प्लस बी बाई एक्स अब यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त हेरौँ एकचोटि यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि लेट वाई इज इक्वल्स टु एएक्स प्लस बी बाई एक्स देन वाई प्लस डेल वाई भनेको एएक्स प्लस डेल एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस डेल एक्स सो डेल वाई भनेको के भयो त ए एक्स प्लस डेल एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टु ए एक्स प्लस डेल एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एएक्स प्लस बी बाई एक्स भयो यहाँनिर सो डेल वाई इज इक्वल्स टु ए एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स इन्टु एक्स प्लस बिएक्स माइनस एएक्स प्लस बी एक्स प्लस डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल एक्स इन्टु एक्स
सो यो भनेको डेल वाई इज इक्वल्स टू कति आयो त एएक्स स्क्वायर प्लस एएक्स डेल एक्स प्लस बीएक्स माइनस एएक्स स्क्वायर माइनस एएक्स डेल एक्स माइनस बीएक्स माइनस बी डेल एक्स एक्स स्क्वायर क्यान्सल भयो अनि अर्को क्यान्सल भएको भनेको एएक्स डेल एक्स पनि क्यान्सल भयो बिडेल एक्स ए सरी बिडेल एक्स त क्यान्सल भएको छैन बिएक्स बिएक्स पनि क्यान्सल भयो र मुनि रह्यो एक्स प्लस डेल एक्स इन्टु एक्स अब डेल वाई बाई डेल एक्स गऱ्यौँ भने के रह्यो त माइनस बी माइनस बी बाई एक्स प्लस डेल एक्स इन्टु एक्स रह्यो सो दियर फोर डिवाई बाई डिएक्स भनेको के हो त लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टु लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो माइनस बी बाई एक्स प्लस डेल एक्स इन्टु एक्स इज इक्वल्स टु माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर जुन चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो वान बाई टू यसको सोल्युसन हेरौँ y इज इक्वल्स टु टु एक्स प्लस थ्री वान बाई टू सपोज गरौँ सो y प्लस डेल वाई इज इक्वल्स टु टु एक्स प्लस डेल एक्स प्लस थ्री वान बाई टू हुन्छ डेल वाई भनेको त्यसो भए टु एक्स प्लस डेल एक्स प्लस थ्री वान बाई टू माइनस टु एक्स प्लस थ्री वान बाई टू होइन अथवा यसलाई अब रुट अन्डर टु एक्स प्लस टु डेल एक्स प्लस थ्री माइनस टु एक्स प्लस थ्री वान बाई टू लेख्न पनि पाइयो अब यसलाई हामी ऱ्यासनलाइज गर्छौँ टु एक्स प्लस टु डेल एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस टु एक्स प्लस थ्रीको अन्डर रुट डिभाइडेड बाई टु एक्स प्लस टु डेल एक्स प्लस थ्री प्लस रुट अन्डर टु एक्स प्लस थ्री गरियो भने यहाँनिर के आउँछ त डेल वाई भनेको हाम्रो डेल वाई इज इक्वल्स टु टु एक्स प्लस टु डेल एक्स प्लस थ्री माइनस टु एक्स माइनस थ्री डिभाइडेड बाई टु एक्स प्लस टु डेल एक्स प्लस थ्री प्लस टु एक्स प्लस थ्री यहाँ टु एक्स क्यान्सल थ्री थ्री क्यान्सल अब यहाँनिर डेल वाई बाई डेल एक्स गऱ्यौँ भने त यहाँ टु डेल एक्स मागिरहेको छ सो यसले डेल एक्सले क्यान्सल गर्छ के रह्यो त यहाँ टु एक्स प्लस टु डेल एक्स प्लस थ्री प्लस टु एक्स प्लस थ्री अब डिवाई बाई डिएक्स भनेको के हुन्छ लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टु लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो टु बाई टु एक्स प्लस टु डेल एक्स प्लस थ्री प्लस टु एक्स प्लस थ्री यो भनेको टु बाई टु एक्स प्लस थ्री प्लस टु एक्स प्लस थ्री यो गर्छ टु बाई टु टु एक्स प्लस थ्री भनेको वान बाई टु एक्स प्लस थ्री आउँछ होइन जुन चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुन जान्छ अब अर्को क्वेसन छ वान बाई वान माइनस वान बाई एक्स वान बाई टू सो सोल्युसन भनेको वाई इज इक्वल्स टु वान बाई रुट अन्डर वान माइनस एक्स सपोज गरौँ वाई प्लस डेल वाई भनेको वान बाई वान माइनस एक्स माइनस डेल एक्स भयो होइन सो डेल वाई भनेको कति भयो त वान बाई वान माइनस एक्स माइनस डेल एक्स माइनस वान बाई वान बाई वान माइनस एक्स सो यो भनेको वान माइनस एक्स माइनस वान माइनस एक्स माइनस डेल एक्स बाई वान माइनस एक्स माइनस डेल एक्स इन्टु वान माइनस एक्स भयो सो अब यहाँनिर हामी ऱ्यासनलाइज गर्छौँ वान माइनस एक्स प्लस वान माइनस एक्स माइनस डेल एक्स त्यसै गरी यतापट्टि वान माइनस एक्स प्लस वान माइनस एक्स माइनस डेल एक्स
सो डेल वाई भनेको कति हुने भयो त 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस डेल एक्स बाई 1 माइनस एक्स माइनस डेल एक्स इंटू 1 माइनस एक्स ये एउटा पोर्सन भयो अर्को 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस डेल एक्स माइनस है यो 1 1 क्यान्सल एक्स एक्स क्यान्सल डेल एक्स माग रह्यो सो वाई बाई डेल एक्स भनेको कति आउँछ डेल एक्स क्यान्सल भएर यहाँ 1 बाई 1 माइनस एक्स माइनस डेल एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस डेल एक्स आयो यहाँनिर अब डिवाई बाई डिएक्स भनेको लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टु 1 बाई 1 माइनस एक्स माइनस डेल एक्स इन्टु 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस डेल एक्स अब कति आयो त 1 बाई यहाँनिर 1 माइनस एक्स इन्टु 1 माइनस एक्स यतापट्टि 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स आयो सो यो भनेको 1 माइनस एक्स आयो यहाँ यतापट्टि 2 इन्टु 1 माइनस एक्स 1 बाई 2 सो यो भनेको 1 बाई 2 1 माइनस एक्स 3 बाई 2 हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुन गयो ठिक छ अर्को क्वेसन छ 1 बाई 3x प्लस 4 1 बाई 2 अब यो क्वेसनमा सोल्युसन y इज इक्वल्स टु तपाईँले यदि स्क्वायर रुटहरू आयो भने त्यति बेला लगभग 90% भन्दा बेसी क्वेसनहरूमा रासनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो स्टेप नबोल्नु होला यसरी स्क्वायर रुटको टर्महरू कुनै आयो भने चाहिँ रासनलाइज गर्नु होला 1 बाई 3x प्लस 4 1 बाई 2 y प्लस डेल वाई इज इक्वल्स टु 3x प्लस 3 डेल एक्स प्लस 4 1 बाई 2 सो डेल वाई भनेको 1 बाई 3x प्लस 3 डेल एक्स प्लस 4 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3x प्लस 4 1 बाई 2 इज इक्वल्स टु 3x प्लस 4 को अन्डर रुट माइनस 3x प्लस 3 डेल एक्स प्लस 4 को अन्डर रुट के रह्यो त 3x प्लस 3 डेल एक्स प्लस 4 1 बाई 2 इन्टु 3x प्लस 4 1 बाई 2 अब यसलाई रासनलाइज गरौँ यो भनेको के हुन्छ त 3x प्लस 4 1 बाई 2 प्लस 3x प्लस 3 डेल एक्स प्लस 4 1 बाई 2 यतापट्टि 3x प्लस 4 1 बाई 2 प्लस 3x प्लस 3 डेल एक्स प्लस 4 1 बाई 2 सो कति आयो त भ्यालु डेल वाई भनेको चाहिँ 3x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 3 डेल एक्स माइनस 4 भयो 3x प्लस 3 डेल एक्स प्लस 4 1 बाई 2 इन्टु 3x प्लस 4 1 बाई 2 प्लस 3x प्लस 4 1 बाई 2 प्लस 3x प्लस 3 डेल एक्स प्लस 4 1 बाई 2 ठिक छ अब यो काट्यो डेल वाई बाई डेल एक्स गऱ्यो भने कति रह्यो त माइनस 3 बाई 3x प्लस 3 डेल एक्स प्लस 4 1 बाई 2 इन्टु 3 प्लस 3x प्लस 4 1 बाई 2 प्लस 3x प्लस 3 डेल एक्स प्लस 4 1 बाई 2 सो यहाँनिर लिमिट लिम भने डिवाई बाई डिएक्स इज इक्वल्स टु लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 डेल वाई बाई डेल एक्स लिम भने कति आउँछ त अब यो भनेको माइनस 3 बाई यहाँ 3x प्लस 4 3x प्लस 4 यहाँ 3x प्लस 4 मात्र किनभने यो 0 भयो भने चाहिँ 3x प्लस 4 1 बाई 2 इन्टु 3x प्लस 4 1 बाई 2 भनेको यति रह्यो होइन र यतापट्टि पनि 2
टू इंटू थ्री एक्स प्लस फोर वन बाई टू रहो क्योंकि यह सम से यपटि तो मल्टिपल छ मल्टिप्लाई करा सो हमारे एंसर माइनस थ्री बाई टू थ्री एक्स प्लस फोर थ्री बाई टू हो थ्री एक्स प्लस फोर थ्री बाई टू हम रिक्वायर्ड एंसर हो अंडर एक्स लेट वाई इज इक्वल्स टू एएक्स प्लस बी बाई रुट अंडर एक्स अथवा यह एएक्स बाई रुट अंडर एक्स प्लस बी बाई रुट अंडर एक्स ये ए रुट अंडर एक्स प्लस बी बाई रुट एक्स है अब यह वाई प्लस डेल वाई एएक्स प्लस डेल एक्स प्लस बी एक्स प्लस डेल एक्स है यहाँ डेल वाई कति आए तो एएक्स प्लस डेल एक्स प्लस बी बाई रुट अंडर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ए रुट एक्स माइनस बी बाई रुट एक्स सो ए एक बी अर्क लग्यौं हमें ये एक्स प्लस डेल एक्स माइनस रुट एक्स नहीं आयो प्लस यतापटी बी रुट एक्स अथवा बी कमन लिमें माइनस एक्स प्लस डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल एक्स इंटू रुट एक्स दुई साइड हमें रैशनलाइज गये यहाँ कति आ रुट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस रुट एक्स एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रुट एक्स बाई एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रुट एक्स यतापटि रुट एक्स माइनस एक्स प्लस डेल एक्स रुट एक्स प्लस डेल एक्स एक्स प्लस डेल एक्स इंटू रुट एक्स एटा भर एक्स प्लस एक्स डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू ए यहाँ कति भयो त्यो एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बाई रुट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रुट एक्स प्लस बी एक्स माइनस डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल एक्स इंटू रुट एक्स एक्स प्लस एक्स डेल एक्स ये भो है अब यह काटियो यहाँ भी काटियो दुईटे में डेल एक्स रहो अब हमें यह गये के रहता तो ए बाई एक्स प्लस डेल एक्स प्लस डेल एक्स यतापटी माइनस बी डे बी बाई एक्स प्लस डेल एक्स इंटू रुट एक्स एक्स प्लस एक्स डेल एक्स अब यह आवाई बाई डीएक्स लिमिट डेल एक्स टेन्स टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू के होता तो यहाँ गयो ए बाई टू रुट एक्स माइनस बी बाई यतापटी एक्स इंटू टू रुट एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई टू रुट एक्स माइनस बी बाई टू एक्स थ्री बाई टू हम रिक्वायर्ड एंसर होना जान टेन थ्री एक्स माइनस फोर इसको सोलूसन वाई इज इक्वल्स टू टेन थ्री एक्स माइनस फोर सो वाई प्लस डेल वाई भनेको कति आउँछ टेन थ्री एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू टेन थ्री एक्स प्लस थ्री डेल एक्स माइनस फोर और डेल वाई इज इक्वल्स टू टेन थ्री एक्स प्लस थ्री डेल एक्स माइनस फोर माइनस वाई इज इक्वल्स टू टेन थ्री एक्स प्लस थ्री डेल एक्स माइनस फोर माइनस टेन थ्री एक्स माइनस फोर आए यहाँ सो डेल वाई इज इक्वल्स टू साइन थ्री एक्स प्लस थ्री डेल एक्स माइनस फोर बाई कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री डेल एक्स माइनस फोर माइनस साइन थ्री एक्स माइनस फोर बाई कॉस थ्री एक्स माइनस फोर सो यो भनेको साइन थ्री एक्स प्लस थ्री डेल एक्स माइनस फोर इंटू कॉस थ्री एक्स माइनस फोर माइनस कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री डेल एक्स माइनस फोर साइन
3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई कॉस 3x प्लस 3 डेल एक्स माइनस 4 कॉस 3x माइनस 4 डेल वाई इज इक्वल्स टू साइन 3x प्लस 3 डेल एक्स माइनस 4 माइनस 3x प्लस 4 ये भनेको कति आउँछ त साइन 3 डेल एक्स बाई कॉस 3x प्लस 3 डेल एक्स माइनस 4 कॉस 3x माइनस 4 अब डेल वाई बाई डेल एक्स भनेको के भयो त यतापट्टि साइन 3 डेल एक्स बाई डेल एक्स कॉस 3x प्लस 3 डेल एक्स माइनस 4 कॉस 3x माइनस 4 यहाँनिर 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ यता 3 राख्यौँ भने dy by dx भनेको लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टु लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 3 साइन 3 साइन 3 डेल एक्स बाई 3 डेल एक्स इन्टु 1 बाई कॉस 3x प्लस 3 डेल एक्स माइनस 4 कॉस 3x माइनस 4 आउँछ होइन अब यो पार्ट त 1 हुन्छ होइन सो 3 बाई यहाँ मुनि के भयो त कॉस 3x माइनस 4 कॉस 3x माइनस 4 माथि गएपछि 3 सेक स्क्वायर एक्स 3x माइनस 4 हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुन जान्छ अब अर्को क्वेसन हेरौँ साइन 3x बाई 2 छ होइन सोलुसन y इज इक्वल्स टु साइन 3x बाई 2 सो y प्लस डेल वाई भनेको साइन 3 बाई 2 एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल्स टु साइन 3 बाई 2 एक्स प्लस 3 बाई 2 डेल एक्स सो डेल वाई भनेको कति आयो त अब यहाँनिर साइन 3 बाई 2 एक्स प्लस 3 बाई 2 डेल एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टु साइन 3 बाई 2 एक्स प्लस 3 बाई 2 डेल एक्स माइनस साइन 3x बाई 2 भयो अब यहाँनिर हामीले कुन फर्मुला लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि यदि हामीले साइन सी माइनस साइन डीको फर्मुला लगायौँ भने यो प्रब्लम चाहिँ जो सल्भ हुन जान्छ सो यहाँनिर साइन सी माइनस साइन डीको फर्मुला लगाउँ कति आउँछ त डेल वाई इज इक्वल्स टु 2 कस 3x बाई 2 प्लस 3 डेल एक्स बाई 2 प्लस 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इन्टु साइन 3x बाई 2 प्लस 3 डेल एक्स बाई 2 माइनस 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 सो यो कति आयो डेल वाई भनेको कति आयो त 2 कस 6x प्लस 3 डेल एक्स बाई 4 र यतापट्टि साइन 3 डेल एक्स बाई 4 आयो ठिक छ अब डेल वाई बाई डेल एक्स भनेको कति हुन्छ त 2 कस 6x प्लस 3 डेल एक्स बाई 4 इन्टु साइन 3 डेल एक्स बाई 4 बाई डेल एक्स यहाँनिर हामीले 3 बाई 4ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने यतापट्टि 4 बाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्ला सायद होइन यतापट्टि 4 बाई 3 ले मल्टिप्लाई 3 बाई 4 ले गर्नुपर्ने रहेछ कहिलेकाहीँ मिस्टेक भइदिन्छ 3 बाई 4 अब dy बाई dx भनेको चाहिँ लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 डेल वाई बाई डेल एक्स सो लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 2 कस 6x प्लस 3 डेल एक्स बाई 4 बाई 4 इन्टु साइन 3 डेल एक्स बाई 4 बाई 3 डेल एक्स बाई 4 इन्टु 3 बाई 4 सो यो पार्ट हाम्रो 1 भयो यतापट्टिको 0 भयो भनेपछि कति आयो त 2 कस 6x बाई 4 इन्टु 3 बाई 4 भनेपछि
थ्री बाई टू कस थ्री एक्स बाई टू हम रिक्वायर्ड एंसर होना गयो। अर्क क्वेश्चन कस स्क्वायर एक्स, कस स्क्वायर एक्स को लागि के गर्न सकिन्छ त हामीलाई के थाहा छ, कस टू एक्स भनेको टू कस स्क्वायर एक्स माइनस वन होइन, सो कस स्क्वायर एक्स भनेको चाहिँ वन प्लस कस टू एक्स बाई टू लेख्न मिल्छ यसलाई, अथवा सो वाई इज इक्वल्स टू कस स्क्वायर एक्सलाई वन बाई टू प्लस कस टू एक्स बाई टू लेख्न मिल्यो होइन, सो वाई प्लस डेल वाई भनेको वन बाई टू प्लस कस टू एक्स प्लस टू डेल एक्स बाई टू, डेल वाई भनेको वन बाई टू प्लस कस टू एक्स प्लस टू डेल एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस कस टू एक्स बाई टू, वन बाई टू क्यान्सल भयो होइन, सो डेल वाई भनेको के भयो त वन बाई टू कस टू एक्स प्लस टू डेल एक्स माइनस कस टू एक्स भयो, ठिक छ। अब यहाँनिर कस सी माइनस कस डीको फर्मुला लगाउनु पर्छ, कस सी माइनस कस डीको फर्मुला लगाउँदा इन्टु टू साइन टू एक्स प्लस टू डेल एक्स प्लस टू एक्स बाई टू इन्टु कस ए इन्टु साइन साइन टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू डेल एक्स बाई टू भयो, सो यो भनेको त्यो क्यान्सल भयो, यतापट्टि कति आयो त साइन टू एक्स प्लस डेल एक्स आयो यतापट्टि, यतापट्टि माइनस साइन डेल एक्स आयो होइन, साइन टू एक्स प्लस डेल एक्स इन्टु माइनस साइन डेल एक्स बाई डेल एक्स। अब डिवाई बाई डिएक्स भनेको कति हुन्छ, लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टु लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो साइन टू एक्स प्लस डेल एक्स इन्टु माइनस साइन डेल एक्स बाई डेल एक्स, सो यो भनेको वान हुन्छ, कति आयो त हाम्रो आन्सर माइनस साइन टू एक्स चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुन जान्छ, इज इक्वल्स टु साइन टू एक्स भयो। वाई प्लस डेल वाई भनेको साइन टू एक्स प्लस टू डेल एक्स हुन्छ होइन, र डेल वाई भनेको चाहिँ साइन टू एक्स टू डेल एक्स माइनस रुट अन्डर साइन टू एक्स आउँछ। अब यसलाई रासनलाइज गरौँ, कति हुन्छ त यतापट्टि साइन टू एक्स प्लस टू डेल एक्स प्लस साइन टू एक्स बाई साइन टू एक्स प्लस टू डेल एक्स प्लस साइन टू एक्स भयो, सो डेल वाई भनेको कति आयो त यो साइन टू एक्स प्लस टू डेल एक्स माइनस साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई रुट अन्डर साइन टू एक्स प्लस टू डेल एक्स प्लस रुट अन्डर साइन टू एक्स आयो। अब यहाँनिर माथि हामी साइन सी माइनस साइन डीको फर्मुला लगायौँ भने कति आउँछ त इज इक्वल्स टू टू कस टू एक्स प्लस डेल एक्स इन्टु साइन डेल एक्स आउँछ, र मुनि कति छ त साइन टू एक्स प्लस टू डेल एक्स प्लस रुट अन्डर साइन एक्स साइन टू एक्स छ। सो अब डेल वाई बाई डेल एक्स भनेको डेल वाई बाई डेल एक्स भनेको कति आयो त टू कस टू एक्स प्लस डेल एक्स, यतापट्टि अरू पठाइदिउँ साइन टू एक्स प्लस टू डेल एक्स प्लस साइन टू एक्स इन्टु साइन डेल एक्स बाई डेल एक्स भयो। सो अब डिवाई बाई डिएक्स भनेको लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो डेल वाई बाई डेल एक्स, यो गर्दाखेरि यो पोर्सन त वान आउँछ, यो जिरो भयो, यो पनि जिरो भयो भनेपछि टू कस टू एक्स बाई यो भनेपछि टू साइन टू एक्स आयो होइन, यहाँ रुट अन्डर पनि छ रुट अन्डर, सो एन्सर हाम्रो कस टू एक्स बाई रुट अन्डर साइन टू एक्स हुन जान्छ। सपोज गरौँ यो भनेको सेक एक्स भयो, वाई प्लस डेल वाई भनेको सेक एक्स प्लस डेल एक्स, सो डेल वाई भनेको के भयो त सेक एक्स प्लस डेल एक्स माइनस रुट अन्डर सेक एक्स,
सो यसलाई रेसनलाइज गरौँ अब सेक एक्स प्लस डेल एक्स प्लस सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस डेल एक्स प्लस सेक एक्स यो भनेको यसले के दिन्छ त सेक एक्स प्लस डेल एक्स माइनस सेक एक्स बाई रुट अन्डर सेक एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रुट अन्डर सेक एक्स होइन अब कसमा चेन्ज गरौँ कसमा चेन्ज गर्दाखेरि वान बाई कस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वान बाई कस एक्स बाई रुट अन्डर सेक एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रुट अन्डर सेक एक्स यो भनेको कस एक्स माइनस कस एक्स प्लस डेल एक्स डिभाइडेड बाई कस एक्स इन्टु कस एक्स प्लस डेल एक्स होइन यहाँनेरि के रह्यो त सेक सेक एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रुट अन्डर सेक एक्स रह्यो अब कसी माइनस कस्टीको फर्मुला लगाइदिउँ यो भनेको कति आउँछ त टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू अर्कोतिर साइन डेल एक्स बाई टू आउँछ र यतातिर कस एक्स इन्टु कस एक्स प्लस डेल एक्स यतापट्टि अर्को सेक एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रुट अन्डर सेक एक्स आयो अब यो भनेको त डेल वाई हो डेल वाई बाई डेल एक्स भनेको कति आउने भयो त साइन एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू इन्टु साइन डेल एक्स बाई टू डिभाइडेड बाई कस एक्स इन्टु कस एक्स प्लस डेल एक्स यो भनेको सेक एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रुट अन्डर सेक एक्स यसलाई अर्कैतिर छुट्टै लेख्यो भने सजिलो हुन्छ होला होइन किनभने यो भनेको साइन डेल एक्स बाई टू यतापट्टि डेल एक्स बाई टू डेल एक्स यहाँबाट आयो यो टूलाई चाहिँ हामीले यता तल झार्यौँ सो अब डिवाई बाई डिएक्स भनेको कति हुन्छ लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो डेल वाई बाई डेल एक्स भनेको यो पोर्सन हाम्रो कति भयो वान भयो यतापट्टि कति बाँकी र साइन एक्स बाई कस एक्स इन्टु कस एक्स भनेको कस स्क्वायर एक्स र यतापट्टि टू रुट अन्डर सेक एक्स बाँकी रह्यो होइन अब यतापट्टि के आउँछ त वान बाई टू साइन बाई कस भनेको टेन टेन एक्स इन्टु अब माथि गयो भने एउटा कस रह्यो भने चाहिँ सेक एक्स बाई रुट सेक एक्स छ सो यो भनेको वान बाई टू टेन एक्स रुट सेक एक्स हाम्रो एन्सर भयो एएक्स प्लस बी सो वाई इज इक्वल्स टु लग एएक्स प्लस बी वाई प्लस डेल वाई भनेको लग ए एक्स प्लस डेल एक्स प्लस बी सो डेल वाई भनेको के हुन्छ त लग एएक्स प्लस ए डेल एक्स प्लस बी माइनस लग एएक्स प्लस बी भयो अब यो भनेको लग एएक्स प्लस बी प्लस ए डेल एक्स डिभाइडेड बाई एएक्स प्लस बी लेख्न पाइन्छ होइन यसरी लेख्न नि पाइयो सो यसलाई इज इक्वल्स टु लग वान प्लस ए डेल एक्स बाई एएक्स प्लस बी पनि लेख्न पाइन्छ अब डेल वाई बाई डेल एक्स भनेको के हुन्छ त वान बाई डेल एक्स लग वान प्लस ए डेल एक्स बाई एएक्स प्लस बी सो अब डिवाई बाई डिएक्स भनेको के हुन्छ त लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो लग वान प्लस ए डेल एक्स बाई एएक्स प्लस बी बाई डेल एक्स यसलाई के लेख्न सकिन्छ लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो लग वान प्लस ए डेल एक्स बाई एएक्स प्लस बी बाई यहाँनिर ए डेल एक्स बाई एएक्स प्लस बी इन्टु ए बाई एएक्स प्लस बी अब हामीले के थाहा छ लग वान प्लस एक्स बाई एक्स यदि त्यसको एक्सको टेन्स टु जिरो छ भने त्यो वान हुन्छ सो यहाँनिर के बाँकी रह्यो त ए बाई एएक्स प्लस बी बाँकी रह्यो
होइन, विच इज द रिक्वायर्ड एन्सर. अर्को छ लग टु द बेस 5x लेट y इज इक्वल्स टु लग 5x इज इक्वल्स टु लग 5e इन्टु लग ex लेख्न सकिन्छ. सो लग 5e इन्टु लग x भयो. अब y प्लस डेल y भनेको लग 5e इन्टु लग x प्लस डेल x. डेल y भनेको के भयो त, लग 5e कमन आयो, लग x प्लस डेल x माइनस लग x, यो भनेको लग 5e लग x प्लस डेल x बाई x. सो अब डेल एक्सले डिभाइड गरेर हामीले लिमिट लिऊँ भने डेल लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो डेल वाई बाई डेल एक्स भनेको अब लग 5e लग 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स बाई डेल एक्स छ यहाँनिर, होइन. यो भनेको डिवाई बाई डिएक्स इज इक्वल्स टु यहाँनिर लिमिट छ है, लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो लग 5e लग 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स, यो भनेको डेल एक्स बाई एक्स इन्टु यतापट्टि कति आयो त 1 बाई एक्स आयो. अब यो भ्यालु हाम्रो 1 हुन्छ होइन, सो हाम्रो एन्सर भनेको लग 5e बाई एक्स, लग बेस 5e बाई एक्स हाम्रो एन्सर हुन्छ. इएएक्स प्लस बी इज इक्वल्स टु इबी इन्टु इएएक्स भयो. सो वाई प्लस डेल वाई भनेको के भयो त, इबी इए एक्स प्लस डेल एक्स. सो डेल वाई भनेको इबी इन्टु इएएक्स प्लस ए डेल एक्स माइनस इबी इन्टु इएएक्स. सो डेल वाई इज इक्वल्स टु इबी इएएक्स प्लस इ डेल एएक्स इन्टु इएएक्स. सो अब यहाँनिरबाट हामीले इएक्स कमन लिऊँ भने इएएक्स इए डेल एक्स माइनस 1 आयो, होइन. अब डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टु इबी इएएक्स इए डेल एक्स माइनस, यहाँ माथि त होइन मुनि हो पावरमा होइन, माइनस 1 बाई डेल एक्स. सो अब लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो गऱ्यौँ भने लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो डेल वाई बाई डेल एक्स भनेको इबी इएएक्स, अब यहाँनिर हामी इ डे ए डेल एक्स माइनस 1 छ, यहाँनिर ए डेल एक्स ए डेल एक्स इन्टु ए लिम भने यहाँ पनि यहाँ के छ लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो छ, पोर्सन हाम्रो 1 हुन्छ. एन्सर कति आयो त ए इएएक्स प्लस बी चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो. ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेसनहरू पनि हामीले केही गऱ्यौँ, हामीले केही एक्सपोनेन्सियल क्वेसनहरू पनि गऱ्यौँ र केही पोलिनोमियल फङ्सनको क्वेसनहरू गऱ्यौँ र त्यस्तै टाइपको क्वेसन त्यस्तै फर्ममा अलिकति भ्यालुहरू चेन्ज भएर आउन सक्छ, नभए त्योभन्दा यताउति चाहिँ अहिलेसम्म क्वेसनहरू सोधेको छैन. सो ती क्वेसनहरू चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला, फर्स्ट प्रिन्सिपलको क्वेसनहरू.